हैंडपंप पर पानी भरने गई नवविवाहिता को बाखर में ले जाकर सलमान ने किया बलात्कार। बचरंग दल ने एसपी ऑफिस में लगाए न्याय की नारे। शिवपुरी जिले के रन्नो थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादी के बाद मायके आई नवविवाहिता के साथ सलमान ने दुष्कर्म किया। वहीं जानकारी के अनुसार रन्नो थाना क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नवविवाहिता ने बताया कि शादी के पहले से ही सलमान उर्फ मौन पुत्र यासिन खान निवासी रन्नौत मुझे परिवार के लोगों को मारने की धमकी देता था और ब्लैकमेल करता था। 4 जुलाई को सलमान ने मेरे साथ बलात्कार किया। इसके बाद 9 जुलाई को मेरी शादी हो गई थी। वहीं जिसके बाद 17 जुलाई को सुबह 10 बजे मैं हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, तभी सलमान मुझे ब्लैकमेल करके पास में बनी बाखर में ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की। वहीं मेरे पति मुझे मायके छोड़ गए हैं, मेरी बदनामी हुई है। एसपी से युवती ने न्याय की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद बचरंग दल के विभाग मंत्री नरेश ओझा ने बताया कि अगर युवती को न्याय नहीं मिलता है और कल तक FIR दर्ज नहीं होती है तो रन्नौत थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नरेश ओझा विभाग मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद से। अभी ये रन्नौत की लोग आए मामले को लेकर, आपका क्या कहना है? रन्नौत थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है, वहाँ हमारी एक बहन के साथ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा दबाव बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना कारित हुई। संबंधित थाने में रिपोर्ट करने पर प्रशासन की लापरवाही से वहाँ छेड़छाड़नी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त मामला बलात्कार का मामला है, इसमें बलात्कार की FIR होनी चाहिए, लेकिन वो FIR अभी तक नहीं हुई। ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। इसकी शिकायत करने हम माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास आए हैं। शिवपुरी में यह सब पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले समय भी शिवपुरी में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक धानुक परिवार की लड़की की हत्या की गई और उस मामले में भी पुलिस ने उस घर को डिस्ट्रॉय करने की बात हमसे कही थी, वो आज तक नहीं की गई और ऐसा निरंतर चलता रहा तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। करेरा में भी परसों घटनाक्रम ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएं निरंतर शिवपुरी जिले में हो रही हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से आग्रह करूंगा इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई करें जिससे ऐसी घटनाएं आगे से ना हो। अगर FIR नहीं होती है, अभी आपने बताया बलात्कार की, तो फिर आप क्या करने वाले? अगर कल तक FIR नहीं हुई तो हम रन्नौत थाने के सामने रन्नौत थाने का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसमें पूरे में परिवार के साथ रहेगा। अभी आप SP ऑफिस आई हो, क्या समस्या आ रही है आपको? मेरे साथ ना उसने बहुत गलत कार्य किया है। किसने गलत किया है? सलमान ने। क्या किया है गलत? रेप किया मेरे साथ में, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों? आप आगे पति वगैरह कहाँ थे? मेरे पति ने ससुर में शादी हो गई मेरी। तो क्या वो आपको पहले से ही परेशान करता था? हाँ। कैसे परेशान करता था? मुझे ब्लैकमेल करता था। किस प्रकार से ब्लैकमेल करता था? धमकाता था, मुझे धमकी देता था। कैसी धमकी देता था? तेरे बाप मार डालूंगा, तेरे भैया मार डालूंगा, पूरे घर वाले में मार डालूंगा। तो रेप क्या घर में आकर किया था? नहीं। तो बाहर हैंडपंप पे पकड़ के ले गए थे जबरदस्ती। तो वहाँ लोग नहीं थी, जनता नहीं थी वहाँ पर? कोई था नहीं, वो कलुआ की वाकर में हाथ पकड़ के ले गए थे मुसलमान की वाकर में। ये कौन है कलुआ? मुसलमान वहीं का, उसका दोस्त वगैरह है। हाँ। तो उसने रोका नहीं, कुछ बोला नहीं? नहीं रोका। कि उसने और उसको सपोर्ट किया था? हाँ सपोर्ट किया था। कब की घटना है? 4 तारीख की। 4 तारीख। तो कौन सा थाना लगता है? रन्नौत थाना। शिकायत करने गए थे आप? हाँ गए थे। क्या हुआ फिर वहाँ? उन्होंने सुनी नहीं है कुछ, वो मैम ने लेडीज पुलिस आई थी ना, FIR वगैरह नहीं हुई? नहीं हुई। मेडिकल वगैरह तो हुआ ही नहीं होगा? नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? पुलिस की जेल कराना चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए मुझे। कब से परेशान कर रहा था वो तुम्हें? मेरी शादी करने के बाद, मेरी शादी हो गई थी 9 तारीख की, फिर भी ब्लैकमेल करता है। कौन सी 9 तारीख को? 9 तारीख को। परेशान शादी के पहले से कर रहा था या फिर अभी से? शादी के पहले से। ये उसका भाई पूरी जानकारी है।